पांच चीजें इंसान के मरने के बाद भी बाकी रहती हैं, जारी रहती हैं, उसका नामा आमाल बंद नहीं होता जो पांच चीजों में हिस्सा लेता है। पहला, जो मस्जिद इमाम बारगाह में हिस्सा लेता है उसका मरने के बाद भी नामा आमाल जारी रहता है। मासूम के अल्फाज है, अगर आप एक ईंट भी लगा देते हैं किसी मस्जिद इमाम बारगाह में, जब तक वहां लोग इबादत करते रहेंगे, मजलिस करते रहेंगे, उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। अगर कोई दरख्त लगा देता है, जब तक उसका साया बाकी रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। अगर कोई पानी का सोर्स जैसे कुआं है या कोई पानी का नलका लगवा देता है, तो जब तक वहां से लोग पानी पीते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। चौथे, कि अगर आपने कोई किताब लिखी या राहे खुदा में कोई मकाला या कोई आर्टिकल या कोई कागज लिखा जिससे लोगों को हिदायत मिलती रहे, तब तक जब तक कि वो एक आपका लिखा हुआ तहरीर बाकी है, तब तक आपका नामा अमाल जारी रहेगा। और पांचवें, कोई आप औलाद में ऐसा सिलसिला छोड़ जाए, आपके बच्चे नेक अमाल करते रहें, आज वो अजदाद आप लोगों के, आप तमाम मोमिनीन के वो अजदाद जिन्होंने आपकी तरबियत में बुनियाद रखी थी, आज यहाँ मजलिसों में आना उन्हें भी अजर पहुँचा रहा है। आप लोगों का यहाँ पर चल के आना, वो जो आपकी माँ जो आपको एक मरतबा पहली मरतबा उंगली पकड़ के लेके आई मजलिस में, आज उनकी रूह कितनी खुश होगी, मेरे बच्चे अभी तक मेरे उस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। वो अरवाह बहुत मसरूर होंगी, उनके लिए बेइंतहा अजर सवाब है। यहाँ तक मासूम फरमाते हैं कि हत्ता जब आप एक सलावात पढ़ देते हैं या आप एक बिस्मिल्लाह पढ़ देते हैं, पूरा को फातिहा भी ना पढ़ें कोई, तो उसका भी इतना सवाब मिलता है। अल्लामा तबतबाई ने कहा है कि अगर सिर्फ एक सलावात पढ़ के कहें कि मैंने अपने उस मरहूम को सवाब दिया, तो कितनी परेशानियाँ उनकी सिर्फ एक सलावात से दूर हो जाती।